वाटरमेलन ड्रॉ करने वाला हूँ, तो आ जाइए स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस पहले हमको ऐसे 15 सेंटीमीटर का स्केल ले लेना है गाइस। उसके बाद आपको थोड़ा सा टेढ़ा लाइन डालना है, आप ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा लाइन छोटा सा ऐसे गिराइए। उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा लाइन गिराइए गाइस, थोड़ा सा छोड़ के। उसके बाद गाइस ऐसे करना है। उसके बाद ये वाला कंप्लीट हो गया है गाइस, ये वाला स्लाइस कंप्लीट हो गया है। लेकिन बीज बनाइए गाइस। तो गाइस मैं कलरिंग लास्ट में करूँगा, ठीक है। तो गाइस ऐसे डबल लाइन खींचना है आपको। उसके बाद गाइस आपको इधर से लेना है ऐसे। उसके बाद गाइस अभी इसका बीज बनाना है। तो उसके बाद गाइस आपको ऐसे करना है। तो अभी ये कंप्लीट हो गया गाइस, तो अभी मैं इसको कलर करने वाला हूँ। तो मैं कलर निकालता हूँ, तो चलते हैं। तो गाइस मैं कलर निकाल लिया, तो मैं इसमें ऑयल पेस्टल का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप पेंसिल कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करना है गाइस पहले आपको। तो गाइस आपको ऐसे ऐसे थोड़ा लाइट लाइट ब्लैक करना है। अभी आपको ऑरेंज कलर उठाना है और लग जाना है इतना कलर करने में। तो गाइस मैं इसको पूरा ऑरेंज, बस ब्लैक वाले पार्ट को ऑरेंज ही करना है। उसके बाद इधर ये वाले जितना मैंने शेडिंग दिया उतना को मैं ऑरेंज करके आपको आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैंने ये पूरा ऑरेंज कर लिया है। उसके बाद आपको गाइस डार्क ग्रीन उठाना है और बस यही, उसके बाद ये वाले पार्ट को कलर करना है। उसके बाद गाइस इस वाले पार्ट को भी धीरे धीरे कलर कर देना है गाइस। उसके बाद आपको गाइस लाइट ग्रीन कलर लेना है। उसके बाद इसके पूरे बॉर्डर को लाइट ग्रीन करना है गाइस ऐसे। तो गाइस ये हो गया है। अभी गाइस आपको फिर से ब्लैक कलर रुको गाइस, अभी आपको ब्लैक कलर नहीं, अभी आपको रेड कलर लेना है। रेड कलर के बाद ब्लैक कलर लेना है गाइस।
नहीं नहीं गाइस, पहले आप बीज का अलग कर दीजिए। तो गाइस मैं आपसे बीज का अलग करने के बाद मिलता हूँ। मैंने बीज भी कलर कर लिया है, तो ये तो रेड कलर करना है, तो मैं आपसे ये रेड कलर भी करके मिलता हूँ। तो गाइस मेरे पास शेडिंग देने के लिए ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं ब्लैक पेन का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके लिए शेडिंग के पास कुछ है तो आप कर सकते हैं उसका यूज़। तो गाइस मैं ये शेडिंग करके मिलता हूँ आपसे। तो गाइस ये ड्राइंग कंप्लीट है। मैं आपको फाइनल टचिंग दिखा रहा हूँ गाइस, ये देखिए। तो अभी के लिए गाइस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।